Hey guys, so आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फुल फेस मेकअप ऑफ मार्स ब्रांड। मार्स ब्रांड का जो है वो मैं रिव्यू भी करूंगी। बाय द वे ये नॉन स्पॉन्सर है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मार्स का फेस प्राइमर, ठीक है। ये वाला जो प्राइमर है ना, लाइक इल्यूमिनेटिंग स्किन स्मूथ प्राइमर है, मतलब स्किन को सॉफ्ट बनाता है। लेट्स सी, पानी जैसा क्यों निकल रहा है पता नहीं। आई थिंक बहुत लाइक कि थोड़े टाइम से पड़ा है, मतलब बहुत टाइम तो नहीं हुआ है बट एक साल तो हो ही गया होगा। तो पानी और जो प्राइमर है वो अलग हो गए हैं शायद। अच्छा है, लाइट वेट है और लाइक और स्किन टाइप पे जाएगा वैसा है, ट्रांसपेरेंट है। जब भी आप प्राइमर लेते हो तो मेक श्योर कि आप ट्रांसपेरेंट प्राइमर लो। फाउंडेशन में मैं यूज करने वाली हूँ मार्स की जो है वो बीबी क्रीम, ठीक है, बीबी क्रीम है और इसमें कोई शेड वगैरह है नहीं, जस्ट बीबी क्रीम है। तो आपको लाइट कवरेज चाहिए, बहुत हैवी नहीं चाहिए, तो आप इस तरह से बेबी क्रीम यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इतने से ली है, अगर नीड होगी तो मैं ज्यादा लूंगी, अदरवाइज इतने से लेंगे हम और फुल फेस पे आई थिंक हो जाएगी। बेबी क्रीम की बात करते हैं तो लाइक ठीक है, इतनी भी पतली नहीं है, मीडियम कवरेज जो फाउंडेशन लुक देता है ना वैसा ही आपको ये बीबी क्रीम देगी, वैसी है, इतनी भी लाइट वेट नहीं है। अभी इसके जो ब्रशेस आए ना उससे ही मैं लाइक जो है वो फाउंडेशन ब्लेंड करूंगी। इसके ब्रशेस ऑलरेडी मेरे पास है ही, ये न्यू फिर से लाइक मुझे मिले हैं, पीआर में मिले हैं और पीआर यूट्यूब के लिए नहीं बट इंस्टा के लिए आया हुआ है, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें से जो ये वाला है ना ब्रश, ये वाला, उससे फाउंडेशन हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है। मार्स की ये जो 6 ब्रशेस का सेट है ना, टू गुड है। जब आया था ना तब मैंने खुद के पैसों से लिया था, जब न्यू लॉन्च हुआ था तब, और बहुत अच्छा है ये। आप ब्रश किट लेना चाहते हो ना बिगनर फ्रेंडली और आप सोच रहे कि ले या ना ले कैसा होगा, डेफिनेटली आप ले सकते हो। मैंने तब लिया था और तब से मैं आपको यकीन ना हो उसके लिए दिखा दूं एक बार, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो ब्रशेस है ना पाउडर का जो न्यू मिला है सेट में, ये पुराना वाला है, आप देखिए। तो ये मैं जो है वो लगातार जब न्यू लॉन्च हुआ तब लिया था, तब से अब तक चल रहा है और ये तो इसमें आया हुआ है, तो आपको लाइक अब यकीन हो जाएगा कि नहीं बहुत अच्छे इसके ब्रशेस ये वाले जो है, काफी अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड करते हैं सॉफ्टली, बिल्कुल भी ब्रिसल्स जो है वो फॉल आउट नहीं करते हैं, ना ही आपकी स्किन में जो है ना लाइक क्रैकी क्रैकी लगता है इसको लगाने के बाद। कभी कभी होता है ना कि ब्रिसल्स की वजह से प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं होती है, बट काफी अच्छे से ब्लेंड कर देता है। और ये बीबी क्रीम भी बहुत लाइट वेट है, इसका कंसिस्टेंसी देखे तो थोड़ा सा थीक फील हो रहा है। ये भी लाइक हो सकता है, मैं ऑनेस्ट रिव्यू ही दूंगी कि प्राइमर और जो बीबी क्रीम है उसको लिए हुए मुझे एक साल हो गया, तो मे बी एक साल के बाद जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी एक्सपायर हो जाने, मतलब वैसे तो सेल्फ लाइफ 3 साल 4 साल की, 2 से 3 साल मिनिमम होती है, बट एक साल के बाद लगातार अगर ऐसे ही पड़ा रहे तो मे बी ऐसा हो सकता है, तो उसकी वजह से हुआ होगा कि थोड़ा। अदरवाइज बेबी क्रीम की बात करते तो अच्छी है, आप ले सकते हो, काफी अच्छी है, लाइट वेट है, मतलब वन टाइप ऑफ नो मेकअप मेकअप लुक एवरीडे जो आप ऑफिस या कॉलेज के लिए इसको लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। आप मेरी स्किन पे देख सकते हो इतनी हैवी आपको फील नहीं होगी। उसके बाद हम जो है वो यूज करेंगे कंसीलर। कंसीलर में मैं यूज कर रही हूँ मार्स की कंसीलर पैलेट, ठीक है, 2 नंबर है, 2 नंबर की इस तरह से है। अभी इसमें से मैं शेड लेने वाली हूँ, यही एक शेड है जो जाएगा कंसीलर में मेरी स्किन में, तो ये ले रही हूँ। और अगर ये फैल लगेगा तो इसके साथ ये वाला जो शेड है उसको मिक्स करके मैं एज ए कंसीलर लगाऊंगी, ठीक है। कंसीलर लगाने के लिए मुझे ब्रश चाहिए, तो इसमें से ही मार्स का ही मैं ब्रश ले रही हूँ।
मार्स का ये जो है E02 करके जो ब्रश है वो ले रही हूँ, इसमें से मैं ये लूंगी, बहुत फेयर हो जाएगा आई थिंक ये शेड, और फिर ये वाला। मोस्टली हम लाइक मेकअप आर्टिस्ट जो है वो ऐसे ही वर्क करते हैं, जरूरी नहीं कि हर शेड आपको लेना ही लेना है, आप शेड बना भी सकते हो। तो पहले मैं ये लगा देती हूँ और फिर जाके उसके ऊपर ही वो लगा दूंगी, थोड़ा सा मैं आइस के ऊपर भी लगाऊंगी। कंसीलर पैलेट की बात करें, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, ऐसा नहीं करूंगी कि नहीं नहीं यार आप ले ही लो सब बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, या ऐसा भी नहीं कि व्यूज के लिए नहीं नहीं छी गंदा है ऐसा है वैसा है, वैसा भी नहीं, जो भी ऑनेस्ट होगा वो मैं बोलूंगी। तो अगर कंसीलर की बात करते हैं तो कंसीलर अच्छा है, ठीक है, ब्लेंडिंग में थोड़ा सा इश्यू आएगा, ठीक है, क्रीमी इतना नहीं है, बटरी कि आप लाइक फटाफट से ब्लेंड कर पाओ, बट अफोर्डेबल रेंज में है और इतनी अच्छी क्वालिटी मिल रही तो आप ले सकते हो। अदरवाइज कंसीलर मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया है, मेरा रिव्यू दू तो, हर किसी का अलग अलग रिव्यू है, हर किसी की थिंकिंग अलग है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे ना पसंद आए वो आपको भी ना ही पसंद आए, बट एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह अगर रिव्यू दू तो लाइक ठीक है और इतना मजा नहीं है, कंसीलर में नहीं है। ये सारी जगह पे मैंने लगा दिया है, ठीक है, और मैं ब्लेंड करती हूँ, ब्लेंड करने के बाद मेरे को पता चलेगा कि यही ब्रश से करती हूँ, मार्स के ब्रश से ही करूंगी मैं, ये जो पाउडर ब्रश है उससे ही करती हूँ, और मैं मोस्टली ये ब्रश को मैं ऐसे ही ब्लेंडिंग के लिए यूज करती हूँ और पाउडर बेकिंग के लिए यूज करती हूँ। तो आप भी कंसीलर और पाउडर बेकिंग के लिए कोई ब्रश दिख रहे हो तो ये यूज कर सकते हो। ब्लेंड हो जाता है बट ठीक है, बटरी नहीं है, तो जैसे कि जिसकी ड्राई स्किन है ना उस पर नहीं वर्क करेगा, क्रैकी दिखेगा, वो मैं बता दूं आपको, ऑयली है तो चल जाएगा, नॉर्मल है तो चल जाएगा, और कवरेज भी बताऊं तो लाइक मीडियम है, मीडियम टू फुल नहीं है, बिल्डेबल नहीं है, तो मीडियम कवरेज है, लाइट वेट, जस्ट आपको टचअप टाइप करना हो, लाइट करना हो आप कर सकते हो। मैंने वो शेड ऐड नहीं किया है, ये वाला दूसरा जो मैं बोल रही थी, क्योंकि ये ब्लेंड करने के बाद इतना भी ओवर या फिर ऐसा नहीं लग रहा है वाइट वाइट, तो इसीलिए मैंने वही सिंगल शेड को कंटिन्यू किया। कुछ ब्लेंड होने के बाद इस तरह से लगता है, कैमरे में कैसा लग रहा है पता नहीं, मिरर में तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। इसके बाद इसको मैं सेट करूंगी मार्स के ही पाउडर से, ठीक है, मार्स का पाउडर है बनाना पाउडर, उससे ही मैं फेस को सेट कर लूंगी, मतलब फेस को नहीं, जहां जहां पे जिस कंसीलर लगाया उसको, तो उसके साथ इस तरह से स्पंज मिलता है, और भर भर के नहीं लगाना है, कभी भी लगाते हो कोई भी पाउडर हो, ठीक है, लाइट लाइट ही लगाना है, जस्ट बैकिंग करनी है, तो इस तरह से जहाँ पे कंसीलर था वहां पे ही अभी मैंने फिलहाल लगाया, फुल फेस पैकिंग नहीं की है, ठीक है, अभी करेंगे। इसके बाद इसमें ब्लश हाइलाइटर सब कुछ मिला हुआ है। अच्छा, वन मोर थिंग कि कंसीलर कर दिया है, उसके बाद हम करेंगे कॉन्ट्रोल ब्लश। तो जो मार्स की पैलेट है ना, सिटी ऑफ पैराडाइज पैलेट मार्स की, उसमें मैंने पैलेट ली है, उसके अंदर सिटीज, सारी सिटीज को दिखाया, उसमें मैंने अहमदाबाद ली है, ठीक है, अंदर से उसका जो ये प्लास्टिक है वो निकाल दो, तो ये कुछ इस तरह से है, अंदर से आप इसको देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पे आपको सारे ब्लश हाइलाइटर कॉन्ट्रोल सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे आई शेड्स मिल जाते हैं, तो देखते हैं कैसा है, ठीक है, करेंगे तभी पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं। अभी मैं ले रही हूँ, ये बहुत बड़ा ब्रश है E01 मार्स का जो है, बट स्टिल लेट्स ट्राई कि उससे हो जाए। तो ये शेड जो है ना, सॉरी ये कैमरे में, ये वाला शेड, एक सेकेंड, ये वाला शेड लेके करते हैं एज अ ट्रांजिशन शेड, इसको मैं अप्लाई कर रही हूं। पिगमेंटेशन की बात करें तो
अच्छा है, आपको भी दिख रहा होगा, ये आईज में नहीं है, ये आईज में है, थोड़ा सा पाउडर ही है इसका जो टेक्सचर है वो, पर पिगमेंटेशन अच्छा है, ब्लेंड भी हो जाता है, अफोर्डेबल रेंज में भी है, तो आप ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो। ये ब्रश काफी बड़ा है, ठीक है, तो ये आई मेकअप की ब्लेंडिंग ब्रश में नहीं जाएगा, छोटी साइज का चाहिए, इससे बहुत फ्लफी है, इसको आप एज अ हाइलाइटर ब्रश यूज कर सकते हो, बट ब्लेंडिंग ब्रश तो बहुत बड़ा है, सारा मैस हो जाएगा इसके ऊपर, चाहे आप कितना ही अच्छे आर्टिस्ट हो। तो अभी तो मैं इससे ही कर रही हूँ, बट अगर आप ब्लेंडिंग आई मेकअप आई ब्रशेस की तरह सोच रहे हो कि ये आई ब्रशेस में काम आ जाएगा, तो नहीं नहीं आएगा, इसको आप कॉन्टोर में यूज कर लो, बैकिंग के लिए, कंसीलर के लिए, हाइलाइटर के लिए, मल्टी वे में आप यूज कर सकते हो, बट आई ब्लेंडिंग के लिए, आई मेकअप ब्लेंडिंग के लिए ये बहुत बड़ी साइज का है। आपको ब्रशेस की डिटेल वीडियो चाहिए तो भी बता सकते हो, पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि लाइक ये ब्रश आई शेडो ब्लेंडिंग का है तो उसको आई शेडो ब्लेंडिंग के वे में यूज कर सकते हो, उसको 10 अलग अलग वे में आप यूज कर सकते हो, तो आप वो भी बताएगा। हाँ, ये जो E02 है वो मे बी आप यूज कर सकते हो ब्लेंडिंग में, वो जाएगा थोड़ा सा, बट ये जो E01 है वो नहीं जाएगा। अब जो मैं ले रही हूँ ये ब्राउन शेड ले रही हूँ, ये वाला, ये मेरा ब्रश कहाँ जा रहा है, ये वाला, ठीक है, उसको मैं लूंगी आउटर वी में। E01 लिया है अभी मैंने, जो ब्रश लिया है मार्स का, वो कलर अच्छा है, पिगमेंटेशन अच्छा है, थोड़ा सा पाउडर ही है, अदरवाइज अच्छी पैलेट है, अफोर्डेबल में, लाइक बिगनर फ्रेंडली है, तो आप ले सकते हो। पैलेट का अगर दिखाओ तो कंसीलर पैलेट मुझे नहीं पसंद आई इतनी, ब्रशेस उसके अच्छे हैं, हाँ, बट उससे सारे ब्रशेस का काम नहीं निपट जाएगा आपको ये लेने के बाद भी, इसमें जो ब्रशेस नहीं है या जो वर्क नहीं करेंगे पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया कि ये भी ब्लेंडिंग में नहीं जाता है वैसे, E01 भी और E02 भी नहीं जाएगा, तो आई मेकअप के ब्रशेस तो आपको लेने ही पड़ेंगे। हाँ, फेस के काफी अच्छे हैं, तो वो आप एज अ फेस के मेकअप के लिए यूज कर लोगे, बट आईज के लिए तो आपको लेने ही पड़ेंगे, इससे प्रॉपर ब्लेंडिंग ही नहीं हो रही है, क्रीज लाइन पे भी नहीं जा रहा है, नहीं प्रॉपर ब्लेंडिंग, तो आई मेकअप का जो लुक आना चाहिए उभर के वो आ ही नहीं सकता इससे। मैं मेरा ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, ठीक है, सबका अलग अलग होता है, किसी को कंफर्टेबल लगे, किसी को ना लगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, बट मैं हो सके इतना सबको लाइक ओवरऑल जो ओपिनियन होता है उसको मैटर करे वैसा ही दूंगी, ताकि सबको हेल्प मिल जाए, बाकी कोई आके कमेंट में बोलेगा नहीं आप बोल रहे थे ये ऐसा है, हमें तो ऐसा लगा, तो वो यही है कि हर किसी की थिंकिंग अलग अलग होती है। अब मैं क्या करूंगी कि लाइक ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये वाला स्किन कलर, ये वाला, ये ले रही हूँ, और मार्स का ही E03 नंबर का फ्लैट ब्रश ले रही हूँ, और कट क्रीज क्रिएट करने का ट्राई कर रही हूँ, अगर हो जाए, ये भी बहुत बड़ा ब्रश है, इससे आप ग्लिटर लगा सकते हो, बट कट क्रीज शार्प करनी है आपको तो वो इससे नहीं होगी। ग्लिटर एप्लीकेशन के लिए फ्लैट ब्रश यूज करना चाहते हो तो इसको आप यूज कर सकते हो। ये तो मैं कंसीलर के बगैर आई शेडो से ही वो लुक क्रिएट कर रही हूँ तो चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। आईज के लिए आपको लेने पड़ेंगे, आईज के ब्रशेस ठीक ठाक है, फेस के ब्रशेस काफी अच्छे हैं। फेस में आपको एक फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश मिल जाएगा, एक कंसीलर ब्लेंडिंग, पाउडर, बेकिंग, ब्लश, कॉन्ट्रोल, सब कुछ हो जाएगा। मैं फेस के आप नहीं लोगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ आईज के ले लोगे, आपको अगर कंफ्यूजन है कि फेस में भी कौन से ब्रशेस अगर रह जाएंगे ये लेते हैं तो इससे फुल फेस मेकअप हो जाएगा, आई मेकअप के लिए आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने ये किया, कट क्रीज वाला थोड़ा सा लुक किया, अब जाके मैं क्या करूंगी, ये पैलेट में से नहीं, अभी मेरे पास दूसरी पैलेट है ग्लिटर वाली, उसका भी साथ में लगे हाथ आपको रिव्यू दे देती हूँ। ये पैलेट जो थी सिटी ऑफ पैराडाइज अहमदाबाद, और ये जो है वो
मास्क की ग्लिटर पैलेट है, देखिए काफी अच्छे ग्लिटर शेड्स आपको मिल जाते हैं, रेड है, पिंक है, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल, प्रेस ग्लिटर है। इसमें आपको लाइक ग्लिटर ग्लू की नीड नहीं है। इसमें से मैं ये वाला ले रही हूँ, और जहां पे मैंने कट क्रीज जैसा क्रिएट किया, कट क्रीज नहीं की है, जिस ऐसा लुक क्रिएट किया है विदाउट कंसीलर जैसे करते हैं, वहां पे मैं इसको लगा रही हूँ। ठीक है, गोल्डन शेड है ये वाला जो है वो, इसको भी इनर कॉर्नर में मुझे लगाना है, तो मैं मार्स का ही E03 नंबर का ब्रश यूज कर रही हूँ। प्रेस ग्लिटर की अगर बात करें तो काफी अच्छे हैं, ले सकते हो आप, प्रेस ग्लिटर लेना चाहते हो तो मार्स के अच्छे, इजिली स्टिक हो जाते हैं, बिल्कुल भी चौकी चौकी नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल या थोड़े से चीप नहीं दिखेंगे, काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो मार्स के ग्लिटर आप ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने कर दिया है, अब जाके प्रेस ग्लिटर पैलेट बिग थम्स अप। अब जाके मैं यूज कर रही हूँ मार्स की आईलाइनर। ठीक है, ये रही मार्स की आईलाइनर, पेन आईलाइनर है, तो आईलाइनर की बात करें तो काफी अच्छी है, इजीली हो जाती है, एप्लीकेशन वगैरह में दिक्कत नहीं आती, बीच में रुक नहीं जाती। मोस्टली पेन आईलाइनर में क्या होता है, आप ऐसे पकड़ते हो तो इसकी इंक पीछे चली जाती हो, जब करते हो ना तब आपको बार बार ऐसे करना पड़ता है, हैंड ड्रॉ करना पड़ता है, बट इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। तो पेन आईलाइनर भी मास्क काफी अच्छी आप ले सकते हो। मैं दूसरी लेयर की कंप्लीट करके वापस आती हूँ। काजल भी मैं यूज कर रही हूँ मास्क की, ठीक है, ब्लैक है। काजल की बात करूं तो ठीक है, मुझे काजल इतनी पसंद नहीं आई है, नॉट सो बटरी कि लाइक स्मूथली चले। अभी मैं क्या करूंगी कि जो E03 नंबर लिया है ना वो लेके आईब्रश जो है उससे, और ये ग्रीन वाला जो है ये वाला, इसको मैं लोअर लेस लाइन पे थोड़ा सा लगाऊंगी, ये बहुत मोटा सा है, फैल ना जाए तो अच्छा है, मेरे को डर लग रहा है थोड़ा सा, जो स्टेप टेप करके ही लगा दूंगी। ये थोड़ा सा पैरोट ग्रीन कलर का है, सो एक साइड मैंने लगाया, एक साइड मैंने नहीं लगाया, कौन सी साइड ज्यादा अच्छी लग रही है नीचे कमेंट करके बताना, विद ग्रीन या विदाउट ग्रीन। ऊपर हमने जो है ब्राउन कॉम्बिनेशन वाला किया है, और मैंने जो कुर्ती पहनी है वो रेड कलर की पहनी है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए मैं नीचे ग्रीन कर रही हूँ, और ऑफ कैमरा मैंने जो आईलाइनर थी उसमें विंग आईलाइनर की और आगे से थोड़ी पॉइंटेड कर दी है। सो दैट्स इट, कुछ इस तरह से लग रहा है। भी आगे मैं एक और कर रही हूँ, मुझे आई मेकअप में लाइक क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, यही ब्रश ले रही हूँ क्योंकि कंपल्सरी फुल फेस कर रही हूँ, तो यही ब्रशेस यूज कर रही हूँ। आईज के लिए मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, बट इट्स ओके। जो गोल्डन शेड हमने ग्लिटर वाला लिया था ना, वो ही थोड़ा सा E03 ब्रश से लूंगी, और आईज के नीचे की साइड आगे जस्ट इतना ही मैं ग्लिटर लगा दूंगी। That's it, ताकि आईज जो है वो लाइक पॉपअप हो, पॉपअप यानी कोई भी आपको देखे तो आपकी आईज काफी अट्रैक्टिव लगे उसके लिए। अभी हम करेंगे कॉन्टोर, कॉन्टोर के लिए मैं सेम यही ब्रश यूज करूंगी,
मार्स का, इसमें तो कोई नंबर नहीं है, ये वाला ब्रश। यार हाँ फाइनली ये वाला ब्रश, ठीक है। इसमें से जो कॉन्ट्रोल शेड है दिस वन, ये वाला लूंगी। कहाँ जा रहा है ब्रश? कॉन्ट्रोल ब्लश देख लेते हैं कैसा है। काफी पिगमेंटेड है, आप देखिए काफी अच्छा है ये पैलेट, काफी अच्छी है, वर्थ इट है। ये पैलेट अच्छी है, जो जो ग्लिटर वाली देखी ना वो अच्छी है, आईलाइनर अच्छी है। वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा आपको बता दूंगी सारा कि कौन सी वाली प्रोडक्ट जो है आप डेफिनेटली ले सकते हो। नॉन स्पॉन्सर वीडियो है अगेन, और काफी अच्छी होगी वही प्रोडक्ट बोलूंगी। एज अ कंज्यूमर आपको लेनी है तो हाँ, प्रोफेशनल मेकअप की तरह नहीं बोल रही हूँ अभी, एज अ जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो नजर से बोल रही हूँ। फिर बोलोगे कि आप तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो और आपने बोला कि ये, तो आप कस्टमर पे ये प्रोडक्ट क्लाइंट पे नहीं यूज कर सकते, बट सेल्फ मेकअप में आप यूज कर सकते हो, या घर में किसी पे करना है तो आप कर सकते हो, बट क्लाइंट के लिए आपको कंपल्सरी प्रोफेशनल वाली ही किट यूज करनी पड़ती है, नहीं तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, लुक भी नहीं आएगा, कंप्लेंट्स भी आएगी, और जस्ट प्रोडक्ट नहीं होती है, टेक्निक भी होती है, सब कुछ मैटर करता है, वो सब सीखना पड़ता है एक्चुअली में, तब जाके आपको पता चलता है। जस्ट सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखने से नॉलेज तो आ जाता है, पर डीपली लेने के लिए आपको वो सब सीखना ही पड़ता है। थोड़ा सा मैं फोरहेड में भी लगा दूंगी, थोड़ा सा नोज में, यही ब्रश से हो जाएगा। सो डोंट वरी, आपको अलग से कॉन्टोर ब्रश लेने की जरूरत नहीं, आप जस्ट आई ब्रशेस ले लो तो चल जाएगा। कॉन्टोर की बात करते तो काफी अच्छा है, आप ले सकते हो, लाइक ये पैलेट काफी अच्छी है, वर्थ इट है। अब करेंगे हम ब्लश। ब्लश के लिए यहाँ पे ब्रश दिया है मार्स का ब्लश का, सो ये वाला यूज करेंगे। यार एवरी टाइम मुझे ये कैमरे, हाँ सो ये ब्रश है, इससे हम ब्लश एप्लीकेशन करेंगे। इसमें जो शेड दिया है पिंक वाला वो ही शेड लेंगे, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। केयरफुली जब भी एप्लीकेशन करो, थोड़ा थोड़ा लेके लाइट लाइट करना, पहले से ही बहुत हैवी आ जाएगा, देन पैची पैची हो जाएगा। अगर आपको ब्लेंडिंग इतनी नहीं आती है, आप अगर बिगनर हो तो पैची पैची हो जाएगा और बहुत ज्यादा हैवी और आर्टिफिशियल दिखेगा। ब्रश तो बहुत अच्छे हैं, ब्रशेस तो आप बंद करके ले लो, अगर सोच रहे हो प्लानिंग कर रहे हो कब का कि ले या ना ले, ये पैलेट भी ले सकते हो, काफी अच्छी है। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर, तो हाइलाइटर भी ये पैलेट में दिया गया है, सॉरी ये रहा ये वाला, ठीक है। इसका स्वॉच अगर दिखाऊ तो कुछ इस तरह से है, अच्छा है हाइलाइटर। उसके लिए मैं ब्रश यूज कर रही हूँ मार्स का E01। एक साइड लगाती हूँ एक साइड नहीं लगाती, ताकि आपको समझ में आए कि कैसा है। अच्छा है, सटल है, काफी अच्छा है। एक साइड मैंने लगाया है और एक साइड मैंने नहीं लगाया है, तो आप देख सकते हो कि काफी अच्छा है। इतना भी पॉपअप नहीं करता, जिनको बहुत ज्यादा हाइलाइटर पसंद है ना तो उनके लिए ये कम पड़ेगा, मतलब डल पड़ेगा थोड़ा सा, अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा डल पड़ रहा है, मुझे थोड़ा गोल्डन टच ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा हैवी मैं लगाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है वो, बट वो डिपेंड करता है कौन सा लुक है, कौन सी ब्रांड है। कोई भी ब्रांड का लगा दो और चौकी चौकी और बहुत चमकीला फेस लगेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। ओवरऑल हाइलाइटर अच्छा है, पर्सनली मुझे थोड़ा कम पसंद आया, ब्लश एंड कॉन्टोर अच्छे हैं,
बट ज़्यादातर मैं प्रीफर करती हूँ लिक्विड प्रोडक्ट्स ज़्यादा पाउडर प्रोडक्ट की कंपैरिजन में, क्योंकि पैची पैची लगती है थोड़ी सी, और चाहे कितना भी ब्लेंड करो थोड़ा सा तो दिखता ही दिखता है, लिक्विड प्रोडक्ट या क्रीम प्रोडक्ट होती है वो कम दिखती है। लिपस्टिक में मेरे पास है पूरे के पूरे इसके जो न्यूली लॉन्च शेड्स है ना वो सारे, आई थिंक 10 शेड्स है, ठीक है, तो 10 है। इसमें से हम दो शेड्स यूज करेंगे, एक को एज अ लिप लाइनर यूज करेंगे और इसको एक को एज अ फिलर यूज करेंगे। कौन सा वाला मैंने सोचा ही नहीं है कि कौन सा वाला लूँ, तो मैं डिसाइड करके वापस आती हूँ। तो इसमें आपको जो है वो सारे सेट रेंज मिल जाती है, लाइक रेड कलर है, पिंक है, मोव है, ब्राउन शेड्स, न्यूड शेड्स बहुत सारे हैं। लिटरली मैंने यहाँ पे देखा है कि कौन सा वाला लू, चेक किया है, मुझे न्यूड शेड्स ज़्यादा पसंद है तो मैंने न्यूड ही निकाले थे, उसमें से कौन से दो यूज़ करूँ। तो 4 नंबर का शेड है मैं उसको एज अ लिप लाइनर लगा रही हूँ, और 10 नंबर का शेड है उसको अंदर एज अ लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी 4 नंबर का शेड, ठीक है, ये दो शेड्स हैं, ठीक है। तो डार्क शेड को बाहर लगाएंगे ताकि लाइक उम्रे लुक क्रिएट कर सके। कुछ इस तरह से बाहर लगा दिया। अगर इसकी बात करते तो बटरी है, पिगमेंटेड है, काफी अच्छी है, पेंसिल पैटर्न में आपको मिलता है, ये जो है वो रोल ऑन में नहीं मिलेगा आपको, इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और अभी मैंने जो लगाया है आउटर में वो है 4 नंबर, काफी अच्छा है। और अंदर मैं लगा रही हूँ ये लिप लाइनर, ये बट एज अ लिपस्टिक भी लगा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं। 10 नंबर, जस्ट सेकेंड, ये 10 नंबर है, हाँ, बाहर जो लगाया है वो 4 नंबर और अंदर फिल कर रही हूँ वो 10 नंबर। जिस तरह से शेड लगता है मैं प्रॉपर फिल करके वापस आती हूँ। सो हियर इज माई फाइनल लुक, कैसा लग रहा है आपको मेकअप वो बताइएगा, लाइक आई मेकअप और बेस लिपस्टिक। लिपस्टिक में जैसे मैंने बताया मैंने लाइक आईलाइनर और लिपस्टिक की तरह इसको कॉम्बो में उम्रे लिप्स की क्रिएट किए हैं, तो कुछ इस तरह से लगता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं, मैंने वैसे तो एप्लीकेशन के टाइम आपको बता दिया कि कौन सी प्रोडक्ट कैसी है, बट स्टिल आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। और इसके साथ वन मोर थिंग मैं भूल ही गई, मार्स का मिरर भी आता है इस तरह से, तो आप लाइक हैंड मिरर से काम कर सकते थे, इसके साथ मिरर भी आया हुआ है, काफी अच्छा है, हैंडी है, मेकअप के लिए काफी अच्छा रहता है, आपको कुछ करना हो तो इजीली कर सकते हो, तो इसका इसके साथ आया है। ओवरऑल बात की जाए तो सारी प्रोडक्ट अच्छी है, बीबी क्रीम थोड़ी मुझे कम पसंद आई है और काजल जो है वो कम पसंद आई है, कंसीलर पैलेट जो है वो कम पसंद आई है। ब्रशेज में बात की जाए तो सारे ब्रशेज अच्छे हैं अपनी जगह पे, बट आई ब्रशेज जो है वो वर्थ ही नहीं है, फेस के ब्रशेज काफी अच्छे, बट इतनी प्राइस में आपको 6 ब्रशेज मिल रहे हैं तो काफी अच्छा है, क्योंकि 600-700 का एक ब्रश आता है अगर आप लेने जाओ तो, उसके कंपेरिजन में आपको इतनी प्राइस में 6 ब्रशेज मिल रहे हैं तो काफी अच्छा है, तो ले सकते हो। और ओवरऑल बाकी सारा बहुत अच्छा है, ये जो मैंने लिप लाइनर वगैरह लगाई वो भी काफी अच्छी है, बटरी है, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, लिप्स को ड्राई नहीं करती है, हैवी हैवी बिल्कुल भी फील नहीं होता है, ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं वो टेस्ट कर लेते हैं, तो ट्रांसफर प्रूफ है, स्लाइटली ट्रांसफर हो रही है वो तो अभी सेट नहीं हुए, अदरवाइज ट्रांसफर प्रूफ है तो काफी अच्छी बात है। जस्ट एक ही नहीं पता कि ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, अदरवाइज देखा जाए तो ये लिप लाइनर आंख बंद करके आप ले सकते हो। आई शेडो पैलेट सिटी ऑफ पैराडाइज में अहमदाबाद वाली मेरी है, क्योंकि मैं अहमदाबाद से हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अहमदाबाद वाली पैलेट मेरे पास है,
वो भी काफी अच्छे थे। ओवरऑल देखा जाए तो ये सारों का मैंने ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया है, आप ट्राई करना अपनी तरफ से अगर ऐसा है तो। और आप सोच रहे हो काफी लंबे टाइम से कि ले या ना ले, प्रॉपर कहीं से रिव्यू देख ले, तो डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आप ले सकते हो, क्योंकि मैं नॉन स्पॉन्सर वीडियो है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ सब अच्छा बोलूंगी जैसे मैंने बताया, और अच्छा होगा उसको डेफिनेटली मैं अच्छा ही बोलूंगी। और ओवरऑल लुक कैसा आ रहा है, आप लोगों को कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपको आगे भी ऐसे ट्यूटोरियल देखने वो तो आएंगे ही, बट वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल देखना है तो आप बोल सकते हो, जैसे मैंने आज मार्स कॉस्मेटिक का वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल बनाया, वैसे ही मैं आगे भी और सारे ब्रांड का बना दूंगी। और ये सारी प्रोडक्ट आपको लाइक अमेजोन पे, नायका पे, सभी जगह पे मिल जाएगी, इवन नार्स की जो इंस्टा पेज है वहां से भी आप उनको कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।